हाय गाइस, स्वागत है आपका गेमिंग ट्रायल्स में। और आज मैंने एक गैंगस्टर की दूसरी ओपन वर्ल्ड गेम जो है गैंगस्टर न्यू ऑरलीन्स खेलनी। तो चलिए दिखाते हैं क्या है इस गेम में और कैसा है। ठीक है, अब वर्ल्ड बंद है तो हम ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली, लेकिन ये ऑनलाइन गेम है राइट, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन ही खेलना पड़ेगा। तो आज के टाइम में ऑनलाइन की तो दिक्कत नहीं है लोगों को, मोस्ट ऑफ़ द गेम्स लाइक खेलते रहते हैं, जैसे टेंसेंट की हम पबजी खेलते हैं, इतने लोग खेलते हैं, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, अब तो हम खेल सकते हैं ये गेम्स को। तो ये थोड़ी सर्वर से कनेक्ट हो रही है, जैसे दिख रहा है कनेक्टिंग टू सर्वर्स, तो थोड़ा टाइम लगता है सर्वर से कनेक्ट होने में, बट इतना भी ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप दूसरी तीसरी, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको कम कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट के बाद। तो ये भी गैंगस्टर की जो वेगस है उसकी तरह है, बट इसके जो ग्राफिक्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे हैं उसके ही जैसे, पर थोड़े से अपडेटेड हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अपडेट हो रही है एज अकॉर्डिंग टू गैंगस्टर वेगस। वो भी अपडेट हुई है बट उतनी नहीं जितनी ये हुई है। तो चलिए अब देखते हैं हम, मैंने इसे थोड़ा सा खेला है तो मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ सिटी कैसी है। ठीक है, तो ये है सिटी। अब यहाँ पे एक मिशन आता है ज़ोंबी वाला। ठीक है, तो जो यहाँ आएगा अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, वैसे या ये शायद कोई और मिशन है। स्टार्ट करने के लिए मुझे इक्विप करना पड़ेगा, चलो इक्विप किया। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पता नहीं, शायद मैं लेवल 2 पे हूँ, पर क्यों स्टार्ट हो रही है मुझे नहीं पता। पर अच्छा, वो ऐसा है जो भी वाला राइट। चलो मैं आपको पूरी सिटी दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, हाँ ये है ज़ोंबी वाला। अबे अबे कैसे भाग रहा है वे? ये वाली गाड़ी बढ़िया लग रही है। मुझे इसके गाड़ी तोड़ने का तरीका बहुत अजब लगता है, मतलब ये नॉर्मल में बस डायरेक्ट खोल लेते हैं, बट इसके में ऐसा नहीं होता। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे इसमें जब ये खोलेगा तो कैसे खोलेगा, ये तो गजब लगता है मुझे। बाकी गाड़ियाँ काफ़ी अपडेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू चीरी वाई सीरी और सैन एंड्रियास। वैसे भी हो क्यों ना, वो अपडेट नहीं हो रही, वो वैसी की वैसी ही है, आप जो भी खेलते हैं ये अपडेटेड है। निकल पहले फुर्सत में निकल। एंड जो आपको देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, ग्राफिक्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी ओपन वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, पर मुझे सबसे टट्टी गेम लगी GTA 3। भाई साहब क्यों बनाया आपने, बनाते ही नहीं, इतना कन्फ्यूजिंग गेम, कुछ दंगा था नहीं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हाईवे पे, और थोड़ा सा इधर हो जाए तो आपको पूरी सिटी के दर्शन करा दें। वैसे मैं अब तक इस पर एयरपोर्ट ढूंढ नहीं पाया, मतलब एयरपोर्ट तो मुझे मिल गया, बट यार वहाँ पर प्लेन ही नहीं चलाने के लिए, ये गलत बात है, हो सकता है आगे जाके हमें मिले। तो मैं क्लेम कर लूँ, तो हमें इसमें भी हाई वैल्यू टारगेट को मारना होता है जैसे इसमें होता है, और काफ़ी सारे मिशंस हैं, और आपको क्लेम करते करते मिलते रहेंगे ये बोनस वगैरह। तो यार यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि एयरपोर्ट किधर है भाई साहब, ये तो एग्जिट है सिटी से। तो आपको ये मिल जाएगी, बोट्स मिल जाएगी, एक्सटेंड कर सकते थे यार। तो एक ख़तरनाक स्टंट मैं करना चाहता हूँ। बस अब आओगे मजो,
कृपया ये स्टंट वाई सी टी में ही ना करें, मज़ा नहीं आया यार, बिल्कुल पास से होना चाहिए था। ओपन वर्ल्ड गेम्स में तो यार यही हरकतें करने में मज़ा आता है, या तो मिशन कर लो या तो ये हरकतें कर लो या तो किसी को मार दो, बस पार्किंग तगड़ी होती है कुछ भी गया। बस यही चाहिए थी निकाल यार, अबे पानी है दोनों तरफ, ओ माय गॉड। चलो ये क्या है भाई साहब, बोट रखी पड़ी है तो थोड़ा थोड़ा पानी है और थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह है, कुछ गिरा पड़ा है इधर तो ज़्यादा पानी लग रहा है। चलिए यार इसका मडगार्ड निकल गया तो गाड़ी चेंज, भाई साहब खरीदनी पड़ती है तो सोचना पड़ता, खरीदनी नहीं पड़े। एक बाइक दिख रही है यहाँ पे, पहले इसको उतारो, भाग भाग चलिए बाइक चलाते हैं, ये हमारे लिए यहाँ रखी गई थी, वैसे ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। यार मेरे दोस्त ने बहुत गजब चीज बताई थी जो मुझे वाई सी डी में बताई थी, बट मैं इसमें करना चाहता हूँ। ओके थोड़ा, अरे हट जा यार, अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें वो होता है नहीं होता। नहीं यार वाई सी डी में होता है, वाई सी डी में अगर आप थोड़ा जूम करके और टायर मारेंगे ना तो पीछे से स्पार्किंग होती है और वो अलग ही थ्रिल आता है, तो आप वाई सी टी में ट्राई कर सकते हैं, या मैं जब वाई सी टी का भी अगर रिव्यू करूँगा तो डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा। तो कुछ ऐसी सिटी है जो सैन एंड्रियास में भी है, मतलब आपको गांव दिखेगा शहर दिखेगा आपको, तो वैसे ही कुछ है। अभी भी मैं इस पूरी सिटी को डिस्कवर नहीं कर पाया ढंग से, तो अगर मुझे लगेगा कि मुझे इस पर एक और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ, और आप लोगों को भी लगता है, और आप लोग यार बताओ मुझे कि किस तरह की गेम्स आप चाहते हो कि मैं उसको दिखाऊँ, प्ले स्टोर पर जो ज़्यादातर है छोटी छोटी गेम्स या फिर कैसी गेम्स आप बता सकते हैं मुझको, और मैं फिर उसी को रिव्यू करूँगा और बताऊँगा किस तरह का गेम है। अगर बाइक से बाइक टकराई तो क्या होगा, कार से नहीं, देखते हैं। ओह थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यही थी हमारी गैंगस्टर की दूसरी ओपन वर्ल्ड गेम। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और बने रहो मेरे साथ, ठीक है। ओह पुलिस वाले भी आ गए, तुम्हारी बहन का भैया, भाई सब कार घटेगा दे रखी इन लोगों को, इतनी गजब कार तो हमें भी ना दी। न्यू रिकॉर्ड पर निकलने दे यार, अब आओगे मजो आ, हिम्मत कतई हिम्मत सिंह बना रहे हैं भाई साहब। कहाँ कहाँ है पुलिस वाले तुम्हारी, अबे यार गलत आदमी में निशाना मार रहे हैं, इधर इधर अब ये गन चेंज भी नहीं कर रहे। ये ले ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यही था हमारा आज का गैंगस्टर, मुझे नाम भी नहीं याद है इस गेम का, बट गैंगस्टर की गेम लॉफ्ट की दूसरी गैंगस्टर, तो काफ़ी अमेजिंग है ये और मज़ा भी आता है। दैट्स इट,
सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक बने रहो मेरे साथ, और कमेंट में बताओ यार कैसे टाइम पास कर रहे हो टाइम को। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और उस टेलीग्राम में आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं बहुत सारे, तो ज्वाइन कर लो यार। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।